स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम यू बैंक के क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना सीखेंगे और उसका पिन बनाना सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ब्राउजर में यू क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन सर्च करना है। यहाँ पर आपको एक्टिवेट क्रेडिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा और आपके सामने एक्टिवेट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहां पर अपने कार्ड का नंबर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहां पर एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म करते ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आपको यहां पर दिखा देगा। बात करते हैं आप क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बना सकते हैं। कार्ड का पिन बनाने के लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर दोबारा एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और कंफर्म पर क्लिक करना है। कंफर्म करते ही आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। आप यहाँ पर अपने कार्ड का स्टेटस देख सकते हैं कि आपका कार्ड एक्टिवेट हो गया है। पिन सेट करने के लिए आपको यहाँ सेट रीसेट पिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पिन एंटर करना है जो आप अपने कार्ड पर लगाना चाहते हैं। यहाँ पर पिन को दोबारा एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रीसेट पिन का नोटिफिकेशन दिखाएगा। आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपका पिन सेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिखा देगा। कार्ड के ट्रांजेक्शन्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ अनेबल डिसेबल ट्रांजेक्शन टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ से आप जिन ट्रांजेक्शन को ऑन करना चाहते हैं उनको ऑन कर सकते हैं और जिनको ऑफ करना चाहते हैं उनको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके ट्रांजेक्शन्स ऑन ऑफ की रिक्वेस्ट कम्प्लीट हो जाएगी। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।